पाली शहर के रामदेव रोड क्षेत्र के राम रहीम कॉलोनी में रविवार को एक मकान की अचानक बालकनी गिर गई। बताया जा रहा है कि महिला घर के बाहर झाड़ू निकाल अंदर गई और उनके पति दूध लेने के लिए बाहर आए थे कि तभी कुछ ही सेकंड में अचानक बालकनी नीचे गिर गई, जिसके चलते घर के बाहर बनी दुकान पर लगे टीन सेट सब्जी के ठेले पर मलबा गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल हादसा पाली शहर के रामदेव रोड स्थित क्षेत्र के राम राम कॉलोनी निवासी नाथुराम पुत्र ईसाराम घाजी अपने घर के बाहर जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं। उन्होंने सुबह दुकान खोली तो वहां उनकी पत्नी बाहर झाड़ू लगा अंदर गई और नत्थूलाल दूध लेने के लिए बाहर निकले कि पीछे से कुछ सेकंड में अचानक मकान की बालकनी गिर गई। महिला ने बताया कि 10 साल पूर्व भी मकान में मरम्मत का कार्य कराया था, लेकिन ना जाने कैसे बालकनी गिर गई। घटनास्थल पर आसपास के मोहल्लेवासी इकट्ठा हो गए और परिवार को हौसला देते हुए मलबे को हटाने में सहायता की।